चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 का पॉइंट स्वयं सहायता समूह पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं, हमने पिछले क्लास में स्वयं सहायता समूह के विषय में बताए थे। हमने बताए थे कि यह ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य रूप से 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, जो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खुद से कोई धंधा करते हैं, छोटे मोटे उद्योग स्थापित करते हैं, या फिर खुद सभी आदमी कुछ पैसा को नियमित रूप से इकट्ठा करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इस संस्था के माध्यम से इस संस्था के कोष में पूंजी जमा हो जाती है और जिसके आधार पर बैंक भी इसको ब्याज देने के लिए तैयार हो जाती है। अर्थात यह एक ऐसी संस्था है जो इसके सदस्य अपनी परिवार की जरूरतों की आर्थिक जरूरतों को कम ब्याज पर पूरा कर लेते हैं, या तो सदस्य के कोष में जो पैसा होता है उससे पूरा कर लेते हैं, या फिर इसके माध्यम से बैंक के द्वारा छोटा ऋण भी ले लेते हैं। इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जब यह संस्था नहीं थी तब छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज के लोग सेठ साहूकार के पास जाते थे, जो अनाप शनाप ब्याज वसूलते थे। इससे गरीब गुरबा काफी शोषित हो रहे थे। इसी को बचाने के लिए ये स्वयं सहायता समूह अभी भारत में सक्रिय है। इसको सरकार भी संरक्षण दे रही है, बैंक भी सहयोग दे रही है। तो हमें एक चीज और बता दूं, इस संस्था में मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हो रही है। अधिक से अधिक संस्था को देखा गया कि उसमें महिलाएं ही रहती है। इससे महिला को भी ऊपर उठने का, महिला को भी मजबूत होने का, महिला को भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। अर्थात दो फायदा इस संस्था से, एक तो गरीब गुरबा जो ऊंचे ब्याज देते थे उससे बच रहे हैं, दूसरा इससे महिला सशक्तिकरण हो रही है, महिला मजबूत हो रही है। तो शायद हमारे भारत में स्वयं सहायता समूह का काफी महत्व है। मैंने कल भी इस पर काफी टाइम दिए थे और आज इससे ज्यादा टाइम देना उचित मैं नहीं समझता हूँ। फिर भी अगर कोई नए आए होंगे, जुड़े होंगे, अगर आपको लगता है कि इस पॉइंट पर किसी भी तरह का सस्पेंस है, किसी भी तरह का डिस्कस करना चाहते हैं हमसे, तो कर सकते हैं। जी सर, यदि जो लोन लेगा हुआ नहीं लौटाएगा तो किसका रुपया कटेगा? वो तो संस्था पर भार रहता है ना, वो टोटल सदस्य पर भार रहता है। जी शक्तिकरण यह समूह सिर्फ महिला के लिए चलता है? नहीं नहीं सिर्फ महिला के लिए नहीं है, पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन यह देखा गया कि अधिकांशतः महिला सक्रिय रूप से भाग ले रही है। हाँ, नहीं समझ गया था? यस सर। चलिए आगे बढ़ें। मतलब चलिए तब हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इसको पहले नोट कर लीजिए, स्वयं सहायता समूह लिखिए। स्वयं सहायता समूह या ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिसके सदस्य मिलकर विभिन्न तरह के कार्य करते हैं और उससे प्राप्त आय से अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही इसके माध्यम से बैंक से भी इसके सदस्य लघु ऋण लेते हैं। चेंज इस संस्था में मुख्य रूप से महिलाएं चट भरकर भाग ले रही है। इससे महिला की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है, साथ ही उसके ज्ञान विवेक में भी वृद्धि हो रही है।
अतः यह संस्था जहां एक ओर गरीब गुरुवा को सेठ सौकार के शोषण से छुटकारा दिला रहा है, वहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से आपने स्वयं सहायता समूह को समझ गए। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपको किसान को साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। जी जी लिख रही है तो पेन नीचे रखिए, सुनिए। किसान को साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। साख मतलब यहां पर उधारी से, ऋण मतलब होता है कर्जा, दोनों चीज का जरूरत होता है। किसान चाहते हैं कि उसे उधारी मिले या ऋण मिले, दोनों में थोड़ा सा क्लियर कर दिया। उधारी मतलब होता है कि कहीं पर कोई सामान लेना है तो वो कुछ दिन के लिए दे देना, और ऋण का मतलब हो जाता है कर्ज, अर्थात इसमें पैसा भी आ जाता है कि आप पैसा लीजिए और दूसरा जगह कोई काम कर लीजिए। तो मैं बता दूं आप लोग को कि किसान को साख और ऋण की आवश्यकता अधिक होती है, क्यों वो सुन लीजिए। क्योंकि खेती करने में एक ही बार खेत की जुताई से लेकर सिंचाई से लेकर बीज खाद से लेकर सारा कुछ को उपलब्ध कराने में काफी अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जो पूंजी अधिकांशतः किसान के पास नहीं रहती है। क्योंकि उत्पादन 3-4 महीना के बाद होता है, एक बार फसल लगाने के बाद 4 महीना के बाद होता है, और 4 महीना तो उस खेत में सिर्फ पैसा ही लगता है, लागत ही लगता है। और 4 महीना के बाद जब अनाज उसमें से या अन्य चीज जब उत्पादित होती है, तैयार होती है, तो उससे पहले ही बरकाल तैयार रहता है कि धान उपजेगा तो धान बेचेंगे तो क्या क्या करेंगे, और धान उपजते ही उस लिस्ट को अधो लिस्ट में पूरा होता है। धान बेचकर तो लिस्ट आधा लिस्ट तो कम से कम खत्म हो जाता है, और जब फिर अगला खेती की बात आती है तो किसान के पास पैसा ही नहीं रहता है। तो उस समय किसान को जरूरत पड़ता है उधारी का या फिर ऋण का। क्लियर हो गया सर क्यों जरूरत पड़ता है। स्पष्ट है कि खेती करने में एक ही बार अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जो सामान्यतः किसान के पास नहीं रहता है। अतः उसे खेती करने वाले जो सामग्री रहती है, बीज होता है, सिंचाई के साधन होता है, अन्य चीजें होती है, उसको उपलब्ध करने के लिए उसे साख या ऋण की जरूरत होना स्वाभाविक है। तो शायद आप किसान साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है वो शायद समझ गए। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जी नहीं समझे सर। क्या नहीं समझे आप? आवश्यकता क्या होता है? आवश्यकता सर, आवश्यकता मतलब होता है जरूरी, अर्थात किसान को उधारी का जरूरत क्यों होता है। क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं रहता है, जबकि खेती करने के लिए एक ही बार अधिक पैसा की जरूरत होती है, इसलिए किसान को उधारी लेना पड़ता है। क्या उधारी की जरूरत होती है? नई तकनीक का मतलब क्या? नई तकनीक का मतलब नया टेक्नोलॉजी, नया किसी काम को करने का जो नवका तरीका होता है उसको कहते हैं नए टेक्नोलॉजी। लागत क्या होता है सर जी? लागत होता है, लागत का इंग्लिश होता है इन्वेस्ट, अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उस पर जो खर्च किया जाता है वही उसके लिए लागत कहलाता है।
हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। यस सर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि ये ऑनलाइन क्लास है, सिर्फ नाम है ऑनलाइन क्लास इसका। देखिए भागना शुरू कर दिया तुरंत, जैसे ही बात कहने लगे तो भागना शुरू कर दिया। ऑनलाइन क्लास है लेकिन ऑफलाइन जैसे हो रहा है, सो समझते हैं ना, क्योंकि सब स्टूडेंट को सब देख रहा है, हम भी सबको देख रहे हैं। तो आप लोग जिस तरह से क्लास में बैठते हैं उस तरह से ना बैठिएगा। सब दिन वीडियो बनता है इसका, वीडियो यूट्यूब पर लोड होता है, सब दिन बूढ़ हो जाइएगा तभी वो देखिएगा इसको, हम वीडियो ऐसे पढ़ रहे थे, आज ही डिलीट हो जाएगा कोनो ही बुराड़ियों में देखिएगा, तब अपना वीडियो देख के खुद अपना ही श्रम लगेगा। क्योंकि आप लोग गंजी में आ जाते हैं तो कभी मुंह बिचकेले रहते हैं तो कभी केस नहीं झाड़ते हैं, अरे बोले कम से कम सिंपल जो होता है वो भी तो करेगा, ये देखते हैं वो गंजी है, वो गंजी देखो गंदे है, गंजी गंदे गंजी में है, मां बोले छोड़ा टी शर्ट पहन लो। टी शर्ट पहन लीजिए मेरे भाई। अरे क्लास में जिसे है आपको सब देख रहा है, हम देख रहे हैं और सब देखेगा, पूरा दुनिया देखेगा, तो कम से कम सब जैसे बैठिए ना। क्लास में जैसे आते हैं, क्लास में क्या गंजी पहन के आते थे आप? इतना समझाते हैं फिर भी आप लोग धरिया धसान जैसे करते हैं तो कैसे होगा बताइए तो। हाँ आप देखिए तो कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब क्या होता है सर? हाँ क्या कहे सर? चलिए तो शायद इसको आप लोग समझ गए, हमसे डिस्कस भी कर लिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। किसान को साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि खेती करने में एक ही बार अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसको अधिकतर किसान पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। अतः इस स्थिति में किसान को साख अथवा ऋण की आवश्यकता होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस तरह से आपने किसान को साख एवं ऋण की आवश्यकता क्यों होती है इसको लिख लिए, समझ लिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है सूक्ष्म वित्तीय योजना, लेकिन इसको आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इस समय भी कम है, साथ ही साथ मात्र दो पॉइंट बचा हुआ है, एक पॉइंट आपका प्रमुख प्रश्न है, अतः कल इस चैप्टर को हम लास्ट कर देंगे, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।